अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम ये एल्बो टाइप का पार्ट है, तो आज हम इसको डिज़ाइन करेंगे। तो इसकी डायमेंशंस देख लेते हैं हम। इसका जो ये सेंटर आर्क है, इसकी रेडियस है 260, और यहाँ से और ये टॉप सरफेस तक 150 है, और यहाँ से भी 150 है। सो हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। क्रियो पे जाना है, वर्किंग डायरेक्टरी सेट करनी है, न्यू फोल्डर बना लेते हैं, पार्ट्स के नाम से न्यू फोल्डर बना रहा हूँ मैं। ओके और न्यू पर जाना है, पार्ट्स का नाम रख रहा हूँ एल्बो। ओके, उसके बाद प्रिपेयर्ड में जाना है, मॉडल प्रॉपर्टीज़, यूनिट चेंज करना है, MMK सेट, ओके, क्लोज और क्लोज। उसके बाद ड्राफ्टिंग देख लेते हैं हम। सही है, इसको स्केच से पहले बना लेता हूँ मैं फ्रंट प्लेन पे। स्केच, रीओरियंट एंड ड्रॉ द लाइन, टू लाइन्स, और इसकी डायमेंशन देख लेते हैं। 150 थी, 150 इज इक्वल टू 150 हो जाएगा। उसके बाद एक आर्क लेके आर्क की जो रेडियस था 260, ओके, टेंजेंट कर देंगे दोनों को। ये देखिए, ये यहाँ तक एग्जैक्टली ऐसी ही शेप बन जाएगी। ओके कर देंगे यहाँ तक, कंट्रोल डी। ये देखो, अब इसको स्वीप से बनाएंगे। स्केच जो हमने स्केच बनाया उसको सिलेक्ट करा, उसके बाद यहाँ पे सेक्शन पे जाएंगे, यहाँ पे स्केच का ऑप्शन ऑन हो जाएगा, ओके करेंगे। यहाँ पर हमें जिस टाइप का स्केच चाहिए, साइलेंडर चाहिए, तो ये देख लेते हैं। यहाँ जूम करके दिखा देता हूँ मैं, यहाँ से यहाँ तक का जो डाया है 290 है, 290 का डाया बनाएंगे। अब यहाँ पर सर्कल लिया, जिस मार्क पे ये बोल रहे हैं वहाँ पर बनाएंगे, ड्रो द सर्कल किया, उसके बाद डायमेंशन दी 290, ओके, और ओके करेंगे, ओके कर दिया, कंट्रोल डी। ये देखिए, ये यहाँ तक तो रेडी हो गया। उसके बाद हम शेल लगाएंगे, अंदर जो अंदर वाला जो डाया है वो 210 का है, तो बाकी 210 और 90 का मार्जिन है, तो शेल की कमांड लेंगे। शेल की कमांड से थिकनेस जो है वो 80 210 कर देते हैं, नहीं थिकनेस मेरे ख्याल में 10 ही नहीं आएगी, टू टेन यहाँ से बना रहे हैं 290, तो 210 नीचे से जाएगा, तो 80 की थिकनेस आनी चाहिए, 40 की आएगी। इसको हाफ कर देंगे, तो सिलेक्टेड दोनों तरफ है, ओके करेंगे। अब जो है स्वीप में स्केच को हाइड कर देता हूँ मैं। अब इसके जो टॉप पर है, ये दो फेसेस हैं टॉप पर जिसमें होल भी हुए हैं, तो ये बनाते हैं 360 by 360 का स्क्वायर है, और जो स्क्वायर की थिकनेस है 50 mm।
यहाँ पे एक्सट्रूड से बनाएंगे इसको, रेक्टेंगल ले लेते हैं, सेंटर रेक्टेंगल, थ्री सिक्सटी बाय 360 का स्क्वायर बॉक्स आ गया 360। ओके, और जो इसकी थिकनेस है वो नीचे की साइड पे डायरेक्शन चेंज तो 50, जो होल भी तो है तो प्लेसमेंट एडिट होल्स देख लेते हैं कहाँ पर है, तो सेंटर वाले को ही प्रोजेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर। ओके ओके हो जाएगा जी यहाँ पर, कंट्रोल डी। अब इसके अंदर हमने ये काउंटर बोर्ड होल्स बनाने हैं, 50x50 है और काउंटर बोर्ड का जो होल्स है 10 mm इसकी काउंटर बोर्ड डेप्थ है, 30 का डाया है, 30x60 अंदर 30 का डाया और बाहर वाला 60 का, सही है। तो मैं इसको काउंट होल्स की कमांड से बना रहा हूँ, वन डायरेक्शन एंड देन सेकंड डायरेक्शन 50x50 की डायरेक्शन आगे। उसके बाद स्टैंडर्ड पे जाएंगे और काउंटर बोर्ड होल स्टैंडर्ड स्ट्रेट टेपर है, ड्रिल है, काउंटर बोर्ड। अब जाते हैं शेप पर, बाहर वाला जो डाया था काउंटर बोर्ड वाला वो 60 mm है और इसकी डेप्थ है 10 mm। लेंथ तो थ्रो ही जाएगी, कि आईएसओ टाइप है, ये नहीं करना है, काउंटर बोर्ड जाना है। काउंटर बोर्ड पे आए तो मेन डाया इसका यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, अगर मैं ये नहीं चाहिए हमें, कैंसिल करते हैं इसको और दोबारा जाते हैं होल्स की कमांड पे। फ्लैट चाहिए, स्टैंडर्ड चाहिए और काउंटर बोर होल चाहिए, जो कि यहाँ पर ये दे रहा है। रिमूव वन डायरेक्शन एंड देन अ सेकंड डायरेक्शन इज वेल, टेपर नहीं चाहिए, काउंटर बोर्ड ही चाहिए हमें। शेप 60, ये वाला जो डाया है डायमीटर तो 60 का चाहिए हमें, और यहाँ से भी एक शेप चाहिए 50x50 की।
50x50 हो गया, 50x50, और जो इसकी स्टैंडर्ड लेंथ है वो है 10 mm की। ओके, कर देता हूँ यहाँ तक, और उसके बाद दोबारा होल देके ये वाला जो डाया है कंट्रोल दबा के क्लिक करना है। ये तो हो जाएगा 60x30 का था। ओके, ये काउंटर बोर्ड बन गया। इसको मैं अब कॉपी करना है, प्लेन बना लेते पहले तो देख लेते हैं, ऐसे भी शायद कॉपी हो ही जाए। मिरर मिरर दिस वन एंड देन हाँ अगेन दिस वन। ओके, एक साइड तो हो गई कंप्लीट, अब दूसरी साइड बनाते हैं फटाफट से। एक्सट्रूड प्लेन सरफेस रीओरियंट एंड सेंटर सर्कल रेक्टेंगल 360x360। ओके, डायरेक्शन चेंज एंड देन 50 लेंथ प्लेसमेंट एडिट प्रोजेक्ट दिस वन एंड ओके अगेन होल्स। स्टैंडर्ड वाइज नहीं कर सकते तो इसको डायरेक्शन चेंज दे देता हूँ मैं आपको। डायमीटर था काउंटर बोर्ड वाला 60 का, और जो डेप्थ थी वो 10 mm की थी। ओके करते हैं, एडिट टू 50x50 ओके अगेन होल एक्सिस एंड फेस टू कट डायमीटर इज 30। ओके, अगेन सेलेक्ट दिस मिरर मिरर ओके मिरर सेलेक्टेड होल सेलेक्टेड मिरर कमांड एंड देन अ प्लेन। ओके एंड देन वन इज शैम्फर एंड अ रेडियस इज वेल रेडियस है 20 mm, फोर चारों कोनों पे 20 mm के रेडियस है। फर्स्ट सेलेक्ट इज सेकेंड वन एंड थर्ड वन फोर्थ रेडियस इज 20। ओके अगेन रेडियस फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर 20 mm ओके हो जाएगा। और शैम्फर 10 mm शैम्फर 10 ओके सेलेक्टेड ओके एंड द लास्ट वन इज 10 mm रेडियस है नीचे की तरफ है यहाँ पर। सो अगेन राउंड सेलेक्टेड दिस एंड देन 10 mm ही है। ओके कर देते हैं, कंट्रोल डी। ये लीजिए, ये हो गया हमारा पार्ट रेडी, बिल्कुल एग्जैक्ट यही शेप है। सो आई होप आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकॉन को भी दबा दे ताकि आपको मेरे आने वाले हर अपडेट्स मिलती रहे। मैं आपको